Why mountain roads are curved, not straight? है ना, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कि आपकी जो पहाड़ों के ऊपर जो सड़क होती है वो ऐसे कर्व होती है, स्ट्रेट नहीं होती है, ठीक है ना? क्या रीज़न है इस चीज़ का? तो इसका सबसे पहला जो रीज़न है वो है आपका पावर, ठीक है, पावर। और साथ ही साथ अगर हम बोले आपके जो पावर ब्रेक्स होते हैं, ठीक है, कि अगर आपकी कोई भी चीज़ ऊपर जा रही है तो सबसे पहले चीज़ क्या है, वो ऊपर जाने के साथ साथ नीचे भी तो आएगी। तो अगर आपका स्लोप जो है माउंटेन का वो बहुत ज़्यादा स्टीप होगा तो आपको पावर ब्रेक्स अप्लाई करेंगे, और अगर आपका डिस्टेंस साइमल्टेनियसली बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो उन पावर ब्रेक्स का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। तो उस पावर को कम करने के लिए आपकी जो रोड्स होती हैं माउंटेनियस रीजन में वो कर्व्ड होती हैं, ठीक है। दूसरा, इकोनॉमिकली भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, दूसरा क्या फैक्टर है कि आपकी जो माउंटेन्स हैं उनका जो नेचुरल कोर्स होता है वो टर्न वाला ही होता है, कर्व वाला ही होता है। तो अगर आप टनल एक माउंटेन के अंदर बनाएंगे तो वो ज़्यादा कॉस्टली होगी। दैट्स वाई ऑल्सो कि आपकी जो ये माउंटेनियस रोड्स होती हैं ये आपकी इस तरीके से कर्व वाले सेक्शन में होती हैं, वो स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है आपकी ट्रैवल नहीं करती हैं, ठीक। दूसरा इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है आपका फ्रिक्शन, ठीक है। आपके फ्रिक्शन के अमाउंट को माउंटेनियस रीजन में इंक्रीज करने के लिए, क्यों? देखिए, आपकी जो प्लेन की रोड्स होती हैं वो होती हैं ऐसे, लेकिन जो माउंटेनियस रोड्स होती हैं वो एक एंगल के ऊपर बैंक्ड होती हैं, है ना। तो 11th में एक टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड्स, है ना। वहाँ पर जो आपका फ्रिक्शन है, क्योंकि रोड्स को हमने बैंक कर दिया है तो हम सर्फेस के ऊपर डिपेंडेंट ना रह करके वो इस एंगल के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो सर्फेस पे क्यों नहीं, क्योंकि अगर आपका माउंटेनियस रीजन है तो वहाँ पर स्नोफॉल भी हो सकता है, मे बी वहाँ पर रेनफॉल का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो सरफेस से जो आपको फ्रिक्शन मिलने वाला था उसका अमाउंट हो जाएगा डिक्रीज। टू इंक्रीज दैट अमाउंट आपकी जो रोड्स हैं उनको बैंक कर दिया जाता है, और यहाँ पर जो नेसेसरी फ्रिक्शन आपको मिलता है दैट अमाउंट्स टू एन जी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो जो म्यू फ्रिक्शन वाली वैल्यू जो होती है, कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोग जो बोलते हैं, वो वैल्यू हमको ग्राउंड से मिलती है, ठीक है। तो ये वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर कि आपकी कोई भी चीज़ जो ऊपर की तरफ जा रही है तो ग्रेविटेशनल पुल उसके ऊपर मेंटेन रखने के लिए, सो दैट कि वो सेफली ऊपर भी जा सके और सेफली नीचे भी आ सके, ग्रेविटेशनल पुल के अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए भी जो आपकी माउंटेनियस रोड्स होती हैं उनको स्लोप इस तरीके से स्लांटेड होती हैं, वो कर्वी होती हैं, स्ट्रेट लाइन में नहीं होती हैं, ठीक है। होपफुली दिस पार्ट इज क्लियर टू यू।